हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, गणपति के 10 दिनों में हाथी को चारा खिलाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, यानी कि इसके दोस्तों हाथी को चारा खिलाने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि गणपति के 10 दिनों में आप हाथी को चारा खिलाते हुए देखते ही होंगे। दोस्तों, इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, तो दोस्तों ये जानने से पहले हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य आप जान पाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए जानते दोस्तों कुछ हाथी के बारे में कुछ अलग फैक्ट्स। तो दोस्तों, हमारे धरती पर हाथी सबसे संवेदनशील प्राणी है। ये मनुष्य से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान माना गया है। हाथी को रोजाना 150 किलोग्राम की भोजन की जरूरत होती है, इसलिए हाथी हर दिन घास, पौधे और फल खाने में 12 से 18 घंटे बिताते हैं। पूरी दुनिया में हाथियों में से 25% हाथी अकेले अफ्रीकी देश में बोत्सवाना में पाए जाते हैं, और भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है दोस्तों, जहां इनकी संख्या 6000 के करीब है। तो दोस्तों, हाथी अपनी सूंड में लगभग 8 मीटर तक पानी भरकर पी जाते हैं। इनकी सूंड 150,000 यूनिट तक की मसल्स होती है। तैरते समय वे सूंड का उपयोग श्वास लेने के लिए अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों, हाथी को दो तरह के दांत होते हैं। बड़े दांत को गजदंत अर्थात टस्क कहते हैं। वे इसका उपयोग पेड़ों की छाल उतारने, जड़ों को खोदने या अपनी रक्षा के लिए करते हैं। दोस्तों, हाथी में गजब की याददाश्त होती है, क्योंकि इसका टेम्पोरल लोब आदमी की तुलना में बड़ा सघन होता है। दोस्तों, हाथी जन्म लेने के कुछ मिनट बाद ही खड़े हो जाते हैं और एक घंटे के भीतर भी वो चलने लगते हैं। दोस्तों, हाथी को झुंड में रहने की आदत होती है, अकेले में उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। दोस्तों, हाथी और घोड़ा एकमात्र ऐसे पशु है जो खड़े खड़े ही सोते हैं। बीमारी या कमजोरी में कभी कभार ऐसा होता है कि वे लेट जाते हैं, वह भी दिन में करीब 4 घंटे सोते हैं। दोस्तों, हाथी एक दिन में 40 गैलन तक पानी पी जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये महत्वपूर्ण रोचक तत्व हाथी के बारे में। यदि आप हाथी को चारा खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, तो आपके जीवन में इसको क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, हाथी को गणेश का कारक माना गया है। वर्तमान समय में हाथी अक्सर गांव अथवा शहरों में कम ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब भी कभी हाथी का पालक हाथी लेकर आपके गांव में अथवा मोहल्ले में आ रहा हो, तो उसे अवसर को आप हाथ से न जाने दे। दोस्तों, व्यापार, वृद्धि, विद्या, बुद्धि और जीवन में उचित मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हाथी को केला, गन्ना आदि या चारा खिलाने से आपको मान सम्मान, विद्या प्राप्ति, नौकरी, व्यापार में उन्नति, आप सब कुछ मिलता है, यानी कि भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर होती है। दोस्तों इसीलिए गणपति के 10 दिन में हाथी को चारा या भोजन खिलाया जाता है, इससे भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, यदि आपके गांव में हाथी आ रहा है, तो इस अवसर को ना जाने दे, हाथी को भोजन या चारा अवश्य खिलाए, इससे आपके नौकरी व्यापार में उन्नति होगी और आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा जरूर होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।